हिंदू समाज पार्टी के युवा नेता के हथियारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान देवनाथ उपाध्याय, बबलू पांडे, परमहंस पांडे, सुबेदार तिवारी, कृष्ण मोहन पांडे, विद्यापति पांडे आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अवधेश मिश्रा ने कहा, कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ब्राह्मण एक का जिंदाबाद, 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 फांसी दो, कमलेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, एक का जिंदाबाद, 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 कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अवधेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष सवर्ण उत्थान समिति, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा। अभी कल दिन दहाड़े लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता कमलेश तिवारी की हत्या हो गई और रात में मेरठ के बार एसोसिएशन के सदस्य मुकेश शर्मा की हत्या होती है। उनके हत्यारों को हम लोग फांसी की सजा की मांग करते हैं और उन्हीं के कार्यक्रम को लेकर के हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं।